हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिलीशियस इंडियन डिशेस। जी हाँ, हमारे देश में अच्छे अच्छे फूड के डिशेस, जैसे कि कहते हैं ना राजस्थान की दाल बाटी, ठीक है, और पाव भाजी, ये सब कहाँ कहाँ के मेन डिशेस हैं वो हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही बड़ा देश है। इट हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट, और अलग अलग प्रकार की ज़मीनें, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट हेल्प द पीपल टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब अलग अलग प्रकार के जो क्लाइमेट और लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, इसकी वजह से अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो करने में मदद रूप होता है। पीपल यूजली ईट दोज फूड आइटम्स विच आर ग्रोन इन देयर एरियाज। अक्सर पीपल क्या करते हैं ना, वही फूड ग्रेन्स या फूड आइटम्स को ईट करते हैं जो उनके एरिया में ग्रो होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फूड ग्रेन्स के बारे में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। भारत के अलग अलग विस्तार में, अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार के फूड ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं। इन राजस्थान पीपल ईट व्हीट, ज्वार एंड बाजरा। राजस्थान में लोग है ना, वीट खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं। इन सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट राइस इज द स्टेपल फूड। दक्षिण साइड में या ईस्टर्न साइड में आप जाओगे ना, तो वहां पर है ना लोग राइस को ज्यादा खाना पसंद करते हैं। पीपल ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड केरला ईट राइस। यहां सबके लोग भी राइस ज्यादातर खाते हैं। इन द कोस्टल एरियाज पीपल ईट राइस एंड फिश। लेकिन जो कोस्टल मतलब जो समुद्री किनारे वाले जो राज्य होते हैं ना प्लेसेस, वो चावल ज्यादा खाते हैं और मछली ज्यादा खाते हैं। अब बारी है स्पेशल डिशेस ऑफ सम स्टेट्स। कुछ अलग अलग स्टेट्स के स्पेशल डिशेस देखिए। पंजाब इज फेमस फॉर मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। कश्मीर इज फेमस फॉर करण का साग एंड ग्रीन टी। वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश। महाराष्ट्र इज नोन फॉर पाव भाजी, भेलपुड़ी एंड श्रीखंड। एंड पीपल ऑफ राजस्थान लव टू ईट दाल बाटी। इडली, सांबर, डोसा, रसम एंड उत्तप्पा आर द पॉपुलर डिशेज ऑफ द तमिलनाडु एंड केरला। देखो यहाँ पर ना हर एक प्लेस का अपनी एक स्पेशलिटी है, अपना एक खुद की पहचान है रिकॉर्डिंग टू देयर डिशेज, राइट। पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पीपल इन इंडिया ग्रो अ लार्ज अमाउंट ऑफ पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखिए हमारे देश में ना जो लोग होते हैं ना, वो पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं। द मेन पल्सेस आर उड़द, मूंग, चना, राजमा एंड अरहर। ये हमारे देश के मेन पल्सेस होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स। कैरेट्स, पीस, ग्रेप्स ग्रो इन विंटर। मैंगोस आर अवेलेबल ओनली इन द समर। मतलब कैरेट, पीस, ग्रेप्स, ये जो फल फ्रूट या वेजिटेबल्स है ना, ये विंटर में ग्रो होते हैं। मैंगो सिर्फ और सिर्फ समर में मिलता है, यानी गर्मी में। ओनियंस, पोटैटोज एंड बनानास आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल भर हमको मिलता रहता है। सम स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर फ्रूट्स। कुछ स्टेट्स हैं ना उनके फ्रूट्स के लिए भी बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि नागपुर इज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी ऑरेंजेस। नागपुर में क्या ऑरेंजेस बहुत अच्छे अच्छे ज़्यादा होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। तो मैं पूछ सकता हूँ आपको कि विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, नागपुर। कश्मीर एंड हिमाचल आर फेमस फॉर द एप्पल्स। देखिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्या एप्पल्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश जो है ना उसको एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। लद्दाख इज फेमस फॉर एप्रिकोट्स। मुजफ्फरपुर इन बिहार इज फेमस फॉर लीचीज। रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड मलिहाबाद, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश आर फेमस फॉर अल्फोंसो एंड दशहरी मैंगो रिस्पेक्टिवली। ये सब क्या है, मैंगोस के अलग अलग नाम है। तो ये चैप्टर में बेसिकली वही सब बताया गया कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ें फेमस उगती हैं। कोकोनट इज ग्रोन इन गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। गुजरात इज फेमस फॉर सेपोडिला दैट इज चीकू। आसाम, गोवा, केरला आर फेमस फॉर पाइनएप्पल्स। मतलब देख लो ये सारी जगहों पर अलग अलग चीज़ें ग्रो होती हैं। अब बात आती है स्पाइसेस। स्पाइसेस जो है ना वो होते हैं मसाले। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मसाला, यानी स्पाइसेस। मतलब पूरे विश्व में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मसाला अगर ग्रो होता है ना, तो वो हमारे इंडिया में ही ग्रो होते हैं। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर क्लो यानी लौंग, टर्मेरिक यानी हल्दी, पेपर यानी काली मिर्च, कार्बन यानी इलायची एंड कोरिएंडर मतलब धनिया। दीज स्पेसिस एंड फ्लेवर्स ऑफ द कलर टू अवर फूड। ये जितनी भी चीज़ें ना, ये हमारे फूड को बहुत अच्छा टेस्ट देती है, एक स्वाद देते हैं। ऑल द फूड आइटम्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। और जितने भी फूड आइटम्स हैं ना, ये हमारे देश के अलग अलग कोने में ग्रो होते हैं। डू यू नो हाउ दिस आइटम्स आर मेड अवेलेबल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
अभी किस तरीके से, जैसे एक जगह पर कोई चीज़ उगती हो तो वो दूसरे दूसरे शहरों तक कैसे पहुंचती है। इट हैज़ बिकेम पॉसिबल थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉपर सिस्टम है और उसके अनुसार ही होता है। फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर टेकन टू द नियर बाय होलसेल मार्केट और मंडी बाय द फार्मर्स। सबसे पहले जो भी खेत वेत में से, जो भी फूड ग्रेन से या फ्रूट से या वेजिटेबल्स है ना, किसान उसको आसपास के होलसेल मार्केट में लेकर जाते हैं, मंडी में लेकर जाते हैं। शॉपकीपर्स एंड वेंडर बाई फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम हियर। और वहाँ से मंडी में से ना दुकानदार लोग आकर, लारी वाले लोग आकर, वो लोग वहाँ से खरीदी करते हैं। वी बाई फूड आइटम्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स इन द मार्केट, फिर हम उनसे खरीदते हैं। ठीक है बच्चों, तो इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला चैप्टर नहीं है। बस खाली ये है कि कौन से प्लेस पे कौन सी चीज़ ग्रो होती है, वो आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।